एवरीवन अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल सुस माय नेम इज इस आज की जो वीडियो है वो फ्रिकल्स क्रीम पे होने वाली है गाइस मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि अगर पिगमेंटेशन है तो क्या हम मेडिकेटेड uh, क्रीम यूज कर सकते हैं क्या कोई ऐसा प्रोडक्ट है ब्यूटी में जो हम फ्रिकल और पिगमेंटेशन के लिए यूज कर सकते हैं तो गाइस आज की जो वीडियो है वो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है जिस प्रोडक्ट पे मैं रिव्यू कर रही हूँ स्पेशली वो फ्रिकल क्रीम है अब यूज करना है या नहीं करना है वो रिव्यू के एंड में आपको पता चल जाएगा तो मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू कर रही हूँ उसका नाम है स्टिलमेन्स फ्रेकल क्रीम दो तरह की आती है फेयरनेस क्रीम भी होती है और फ्रेकल क्रीम भी होती है ठीक है अभी हम जिस प्रोडक्ट का रिव्यू कर रहे हैं वो इस तरह फ्रिकल क्रीम होती है, है रेड कलर के बॉक्स में आती है और जो फेयरनेस क्रीम होती है वो ग्रीन कलर का प्रोडक्ट होता है है ठीक अच्छा गाइस अब एक चीज उन्होंने पर ये कर दी है क्लियरली की आपके फेयरनेस के लिए नहीं है रंगोला करने के लिए नहीं है लेकिन अगर आपको फ्रिकल की प्रॉब्लम है पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है आपको स्पॉट्स वगैरह की प्रॉब्लम है तो इसका फायदा ये है कि आप जब इसको यूज करते हो तो ये आपके स्पॉट को कम करती है पिगमेंटेशन को, को कम करती है और है, है? Like, कि किसी ने like, भी आपसे आप इसके इंग्रीडियंट के बारे में डिटेल से बात नहीं की होगी आज की वीडियो ना काफी हेल्पफुल रहने वाली है क्योंकि मैं इसमें आपको इंग्रीडियंट के ऊपर भी डिटेल से समझाऊंगी कि इसके अंदर इंग्रीडियंट जो इन्होंने मैंशन किए हैं उसके हिसाब से अगर आपको हार्म है तो आप इसको यूज मत कीजिएगा लेकिन अगर आपको लगता है, कि आपके स्किन एकदम है, सेंसिटिव नहीं है तो आप पिगमेंटेशन और यूज कर सकते हो अच्छा साइड इफेक्ट्स की बात करें तो गाइस से पहली चीज तो ये सेंसिटिव स्किन के लिए नहीं है क्योंकि इसके अंदर मिथाइल पैराबिन और इथाइल पैराबिन होता है जो कि लाइक कंपनी आपको खुद बोलती है कि ये सेंसिटिव स्किन वाले यूज ना करें तो ज्यादा बेटर है क्योंकि उनके स्किन के ऊपर इससे इरिटेशन हो सकता है लेकिन अगर प्रोडक्ट के ऊपर तो अच्छा। तो जो इंग्रेडिएंट है उससे डिटेल से बात करेंगे मिनरल ऑयल डाला है मिनरल ऑयल मिक्सिंग के लिए यूज किया जाता है स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए यूज किया जाता है पेट्रोलियम जेली जो कि आपको मालूम है वैसलीन के नाम से आप जानते होंगे इसको एक टेक्सचर देने के लिए तो एक फॉर्म देने के लिए यूज किया जाता है इसके अंदर सेरीफेरा वैक्स है वैक्स को को भी स्किन नर्मो मलाइम सॉफ्ट बनाने के लिए एड किया जाता है ज्यादातर जो क्रीम के अंदर प्रोडक्ट्स होते हैं क्रीम्स के के अंदर वो उसको उसको को मेंटेन करने के लिए फॉर्म में लाने के लिए मिक्सिंग के लिए और मॉइस्चराइजर के लिए यूज किए जाते हैं अब हम इनके ऐसे इंग्रेडिएंट के बारे में बात करेंगे जो कि के केमिकल बेस्ड होते हैं जैसे कि जिंक ऑक्साइड है जिंक ऑक्साइड एक्चुअल में स्किन के ऊपर क्या काम करता है इरिटेशन को कम करता है सनबर्न को कम करता है आपकी स्किन के ऊपर रेशेस वगैरह है तो उसको काम करता

बी रेस से आपको बचाता है और ये इसीलिए इस प्रोडक्ट्स के अंदर ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है ताकि आपको सनस्क्रीन भी जो है वो मिल जाए लाइक like, इतनी आपको सनस्क्रीन नहीं मिलती है लेकिन इसके अंदर एस 30 मौजूद है आप इसको जो है वो यूज कर सकते हो ठीक है अब हम बात करते हैं इसके अगले इंग्रेडिएंट की जो है के है लेनो लिन जो कि स्किन के ऊपर क्या काम करता है आपके जो स्किन बेरियर होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है खराब हो जाते हैं तो उनको रिपेयर करता है इसके अंदर नेचुरल ऑयल्स होते हैं जो आपके स्किन को काफी हद तक मॉइस्चराइज करते हैं अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा डीहाइड्रेट हो डिहाइड्रेट हो गई है तो उसको हाइड्रेट करते हैं क्योंकि गाई सबसे जो पहली चीज स्किन के लिए वो मॉइस्चराइजेशन बहुत जरूरी होती है अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है मॉइस्चराइज नहीं होती है तो फिर आपके स्किन के ऊपर काफी ज्यादा लाइक like, प्रॉब्लम हो सकती है आपको इचीनेस हो सकती है या आपकी नीचे आईज के नीचे फाइन लाइन आ सकती है रिंकल्स वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है तो गाइस इनका जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है पोली ऑक्सीथेलाइन बाकी आ, मैं आपको मेंशन कर दूंगी इंग्रेडिएंट लिस्ट आप खुद भी चेक कर सकते हो हो सकता है मेरे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए लेकिन ओवरऑल इसको फायर के लिए यूज किया जाता है

आपके लिए बिल्कुल नहीं है लेकिन अगर आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं है आपके स्किन आपको लगता है कि आप प्रोडक्ट्स यूज करते हो तो उससे इरिटेशन नहीं होती जब आप नए नए प्रोडक्ट्स ट्राई करते हो आपको खारिश नहीं होती है आपको इचीनेस नहीं होती और रेडनेस नहीं होती तो फिर आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो ओवरऑल गाइस जहां तक मैंने इसके इंग्रेडिएंट्स के ऊपर रिसर्च की है उसके हिसाब से इसके अंदर मरकरी नहीं है ठीक है पेराबिन है क्योंकि पेराबिन प्रोडक्ट्स के अंदर इसलिए ऐड किया जाता है ताकि जो आपकी स्किन के ऊपर दाग धब्बे हो उसको क्लियर किया जा सके लाइक व्हाइटनिंग प्रोडक्ट्स जो होते हैं जो स्किन को क्लीन करने का काम करते हैं, उसके अंदर ऐसे प्रोडक्ट्स ऐड किए जाते हैं बाकी कुछ प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताया कि इसलिए इंग्रेडिएंट्स ऐड किए जाते हैं ताकि उसकी मिक्सिंग की जा सके उसको फॉर्म में लाया जा सके ओवरऑल इसके इंग्रेडिएंट्स के हम पर, हमने बात कर मैं अगर इसकी प्राइस की बात करूं तो अराउंड आपको 400 या अराउंड्रेड प्लस मिलने वाली है पाकिस्तान में वैसे ऑलरेडी प्राइस अप एंड डाउन चल रही है तो उसके लिए मैं आपको फुल्ली लाइक कंप्लीटली नहीं बता सकती हूँ बाकी प्राइस टू परफॉर्मेंस ठीक है मेडिकेटेड क्रीम काफी महंगी होती है फ्रेकल्स की और पिगमेंटेशन की तो आप इसको यूज कर सकते हो अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो ठीक है अच्छा ऑयली uh, है तभी आप यूज कर सकते हो बस सेंसिटिव नहीं होनी चाहिए एक्नी पिंपल्स वाली लाइक like, बहुत ज्यादा एक्नी आपको है या आपको खारिश वगैरह हो जाती है ड्राइनेस वगैरह हो जाती है तब आप इसको यूज नहीं कर सकते अच्छा गाइस अब सेकेंडली यहाँ पर मैं इसके यूज करने के तरीके की बात करूं तो रात को सोने से पहले जब भी आप सोने लगो आपको पिगमेंटेशन है आपको फ्रिकल्स है आप अपना फेस को कम्पलीटली वॉश करके साफ कर लो हल्का फुल्का सा लाइक बिल्कुल क्लीन करके हल्का पुल्का सा आप मॉइस्चराइजर लगा लो उसके बाद आप इसको लगा लो वैसे मॉइस्चराइजर आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है क्योंकि इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो काफी थिक होती है और इसकी लाइक आप ऐसे बोल सकते हो जैसे कि वेस्लिन टाइप होती है लाइक एक जमी हुई जो वो होती है ना क्रीम उस तरह की होती है क्योंकि ये बहुत थिक होती है आप इसको लिटिल क्वांटिटी में भी लगाओगे ना तो भी आपके लिए इनफ होने वाला है ठीक है अगर चाहे आप घर पे हो तब भी आप इसको लगा सकते हो लगा लेकिन आप इसको बाहर जाने से पहले मत लगाइएगा क्योंकि पिगमेंटेशन की जो क्रीम्स होती है प्रिकल्स की जो क्रीम होती है वो रात में लगाई जाए तो ज्यादा बेटर होती है क्योंकि उससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं बाकी ओवरऑल आप इसको दिन में दो बार यूज कर सकते हो अच्छे रिजल्ट के लिए लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप दिन में काम करते हो आप बाहर जाते हो तो आप इसको मत लगाओ लगाना चाहते हो तो सनस्क्रीन के साथ आप इसको लगा सकते हो वैसे इसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो सनस्क्रीन का काम करते हैं लेकिन फिर भी आप सनस्क्रीन लगानी चाहिए क्योंकि सनस्क्रीन एक बनाई ही आपको सूरज की श्वाओ से बचाने के लिए है तो उसे लगाना जरूरी होता है आपकी क्रीम के अंदर हो तो अच्छी बात है वो एक बेनिफिट वाली बात है लेकिन अगर आपकी क्रीम के अंदर नहीं है तब भी आपने लगानी जरूर है ठीक है सनस्क्रीन एक बहुत अच्छी चीज होती है जो कि आपको सूरज की श्वाओ से बचाती है आपके स्किन को बचाती है आपके स्किन बैरियर को बचाती है तो कई चीज के अंदर जो इंग्रेडिएंट उसके बारे में मैंने आपको डिटेल बता दी बाकी अगर चाहे आपको रिव्यू अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना और दूसरी बात है अगर आप चाहते हो कि इंस्टॉलमेंट्स फेयरनेस क्रीम के ऊपर भी मैं रिव्यू करूँ कौन से लोग यूज करते हैं और गर्ल्स बॉयज दोनों यूज कर सकते हैं नहीं यूज कर सकते किस एज में यूज कर सकते हैं तो मैं आपको डिटेल उस पर देने वाली हूँ उसके इंग्रीडियंट्स भी हूँ काफी डिटेल से वीडियो बनाऊंगी और मैं यही चाहती हूँ जितने भी प्रोडक्ट्स के ऊपर मैं रिव्यू करूँ फुल डिटेल से करूं जो दूसरे लोग आपको नहीं बताते मैं कोशिश यही करूंगी कि हर एक चीज वो कवर करने की कोशिश करूं ठीक है तो हाइपर पिगमेंटेशन है आपको फ्रिकल्स है आपको स्पॉर्ट वगैरह की प्रॉब्लम है आपको प्रोडक्ट सूट करते हैं तो आप इसको जरूर लगाइएगा और इसको ट्राई करके देखिएगा मैं आपको सजेस्ट कर रही हूं, आप इसे ट्राई करिएगा और बाकी ओवरऑल पीछे बॉक्स के ऊपर लिखते हैं एयर प्लस ये क्रीम को हो चुके हैं बाकी ये यूएसए के अंदर रजिस्टर्ड है उनकी निगरानी में इस प्रोडक्ट को बनाया जाता है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में अल हाफिज